हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में डेली बेस पे यहां पे जो है सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ के पढ़ते हैं। अभी जो है हिस्ट्री कंप्लीट यहां पे कवर कराया जा रहा है। पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन जो है कवर करा दिया था। नहीं देखे होंगे क्लास को, डेली बेस कराया जाता है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके आप CGPSC प्री के साथ साथ आपका मेंस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे हॉस्टल वार्डन को हो, प्रयोगशाला हो, कोई भी एग्ज़ाम के छत्तीसगढ़ के आप तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मेंस तक के यहाँ से क्वेश्चन आपसे आए हुए। आप जो है क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। बहुत समय है आपके पास जो है, तो सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी जो कंप्यूटर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे होंगे, तो कंप्यूटर का सेशन मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि जो कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज़्यादा है उसमें मैथ्स है उसका। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण जो है इस राज्य के किस राजा के द्वारा किया गया था। विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण जो है इस राज्य के किस राजा के द्वारा किया गया था। विष्णुपुर, बैकुंठपुर, महेशपुर, रतनपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेशपुर। ठीक है जी, ये जो है यहाँ पे जो है जो खास करके जो है ये प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण जो है राज्य का जो है जो महेशपुर के जो राजा थे इनके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। ठीक है जी, तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पे है, किस नाम से, इसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है जी, मैं जो है इसको कवर करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ के जो कब्र पहाड़ से किस युग के औजार यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा रायगढ़ यहाँ पे जो है शैल चित्र के लिए बहुत सारे गुफा आपको जो है देखने को मिलेगा, तो प्रसिद्ध है। तो रायगढ़ के यहाँ पे जो है कब्र पहाड़ की बात किया जा रहा है। तो रायगढ़ के जो कब्र पहाड़ से जो है किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं, पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग या लौह युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाषाण युग। ठीक है जी, तो ये जो है मध्य पाषाण युग के यहाँ पे जो है जो रायगढ़ के जो कब्र पहाड़ है यहाँ से जो है इस युग के जो है औजार प्राप्त हुए हैं। ये जो है कब्र पहाड़ का जो है कौन से जिले में है, रायगढ़ जिले में है, रायगढ़ में। और यहाँ पे जो है मानव समय को सीढ़ीनुमा जो आकृति यहाँ पे जो है पंक्तिबद्ध ये जो शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और सर्वाधिक शैलचित्र इसी गुफा में पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो सर्वाधिक शैलचित्र जो है रायगढ़ में आपके कब्र पहाड़ में पाई जाती है, और प्रागैतिहासिक शैलचित्र भी यहाँ पे देखने को आपको जो है मिलेगा। सिंघनपुर का गुफा है, बोतलदा का गुफा है, और बसनाझा, टिप्पा खोल, ओंगना, बेनीपाटी, ये सभी जो गुफा है आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर का कौन सा जो एक प्राचीन नाम सही नहीं है। तो आप सभी को पता होगा अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता था शहरों को। अभी वर्तमान में अलग नाम था, उस समय प्राचीन नाम जैसे अलग था, रामायण काल में, महाभारत काल में कई बार बताया हूँ मैं। तो रतनपुर का कौन सा जो एक जो है प्राचीन नाम सही नहीं है। तो आपका जो है अम्बापुरी, अम्बापुरी अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, बाकी जो है रत्नावलीपुरी, मणिपुर, रतनपुर अभी जो पढ़ते हैं हम, तो ये सभी जो है ये सब प्राचीन नाम है। बाकी जो अम्बापुरी जो नाम है ये जो है सही नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सातवाहन काल में जो है रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के सातवाहन काल के रोम के सोने के जो सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि जो है उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता है। ठीक है जी, तो उस समय भी जो है बंदरगाह के माध्यम से भारत से व्यापार रोम से यहाँ पे होता था, अनाज को लेकर यहाँ पे जो व्यवस्था जो है यहाँ पे जो है बिजनेस होती थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है व्यापार होता था रोम से, पाल, चकरबेड़ा, रतनपुर या आपके मल्हार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चकरबेड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सातवाहन काल रोम के जो सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से जो प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भी जो है भारत जो है किसके साथ व्यापार होता था, तो चकरबेड़ा से यहाँ पे प्राप्त होता है। सातवाहन की बात करूँ तो राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र हुआ करती थी उस समय। सातवाहन काल जो कालीन जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो, जैसे मल्हार से बिलासपुर राजा पिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, बालपुर से जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आती है वहाँ से राजा पिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, चकरबेड़ा से
चकरबेड़ा से बिलासपुर सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण यहाँ पे मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है जी। और वरदश्री की जो जानकारी, राजा वरदश्री की जानकारी गुंजी शिलालेख यहाँ से जांजगीर चांपा जिला से शिलालेख यहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है जी, सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले से किस स्थान से प्राप्त हुए था? अभी जस्ट बताया हूँ, तो सातवाहन नरेश अपीलक की जो एकमात्र जो मुद्रा है रायगढ़ जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, तो दो ठो मैं बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए जैसे बालपुर, पुसौर, तमलार और लैलूंगा दिए, तो बालपुर अभी बताया था। बालपुर के साथ एक और बताया था मैं, ये जो एक पहला हो गया, दूसरा आपका मल्हार बताया था। ठीक है जी, दूसरा आपका मल्हार, तो मल्हार से बिलासपुर के अंतर्गत आती है राजा पीलक की मुद्रा, और बालपुर जांजगीर चांपा जिले राजा पीलक की मुद्रा प्राप्त हुई। ठीक है जी, तो जैसे ऑप्शन में जो भी रहेगा दोनों में से, तो आंसर उसको लगाइएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। राजा दशरथ की जो पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? ठीक है जी, तो राजा दशरथ की जो पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था? भानुमंत, जनक, परशुराम या वाल्मीकि? तो उनके पिताजी का नाम था कौशल्या। ये कौशल्या कौन थी? राजा दशरथ की पत्नी थी कौशल्या, मतलब जो है भगवान राम जी की उनकी माँ थी वो, ये जो है उनके पिता थे जी। ठीक है, उनके जो है नाना का क्या नाम था पूछा जा रहा है, तो भानुमंत उनके जो है नाना का नाम था। तो रामायण काल में जाएंगे तो दक्षिण कोसल के जो राजा भानुमंत थे, जिनकी पुत्री कौशल्या का इनके साथ विवाह हुआ था, उत्तर कोसल के राजा दशरथ से हुआ था, और भानुमंत के जो है पुत्र नहीं हुए, मतलब जो है पुत्र नहीं थे, तो नहीं होने के कारण राज्य जो राजपाट उनको जो है दशरथ को सौंप दिया गया था। ठीक है जी, और उस समय यहाँ पे जो है दक्षिण कोसल की भाषा क्या थी, तो कोसली थी। ठीक है जी, ये आपके एक बार पीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के प्री के पेपर में, तो कोसली उस समय जो है लैंग्वेज थी, दक्षिण कोसल की भाषा कोसली, और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया गया था? लव को, कुश को, लक्ष्मण को या अंगद को? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कुश को। याद रखें तो वाल्मीकि में जो बताया गया वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि द्वारा, तो रामायण के अनुसार राम ने जो है जो राजपाट है दक्षिण कोसल के जो राज्य किसको दिया गया था, तो कुश को दिया गया था। ठीक है जी, तो भगवान राम ने जो है अंतिम समय में दक्षिण कोसल को कुश, जहाँ पर राजधानी कुशस्थली, और उत्तर कोसल को जो है लव, जो है राजधानी श्रावस्ती, राजकार्य यहाँ पर इनको दिए थे। ठीक है जी, राजपाट इनको दिया गया था, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो है प्राचीनतम नाट्यशाला कौन से ज़िले में है? रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर या राजनांदगांव? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला कौन से ज़िले में है, तो ये आपका सरगुजा ज़िले में है। इसको जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सीता बेंगरा की गुफाइए जो है सरगुजा ज़िले में। ठीक है जी, और लगभग लक्ष्मण बेंगरा की गुफाइए भी आपका जो है सरगुजा में स्थित है। जोगी की मारा की गुफाइए भी सरगुजा ज़िले में। ठीक है जी, यहाँ पर मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसमें नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनिका का जो है इनका जो है प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख को जो है भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी में यहाँ पे जो कि जानकारी प्राप्त हुई है। आपका जो है CGPSC मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्यापम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है जी, तो लगभग 200 ईसा पूर्व में जो भरत मुनि ने अपनी जो है नाट्यशाला की रचना इन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ के किस राजा के समय आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के समय आया हुआ था? कलचूरी राजवंश, पांडु राजवंश, नल वंश या छिंदक नागवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु राजवंश में, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ के पांडु राजवंश उस समय जो है इस काल में जो है ये जो चीनी यात्री आया था कौन से सन में आया था, तो 639 ईसा पूर्व में आया हुआ था। ठीक है जी, किसके शासन काल में आया था, तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन ये जो है पांडुवंशी शासक है, और इन्हीं के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, इन्हीं शासन काल को। और जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है जी,
595 से लेकर 655 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, सबसे ज़्यादा समय, ठीक है जी। और इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी में जो है सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इनको जो है बाल अर्जुन कहा गया, ठीक है। इनको जो परम महेश्वर की उपाधि भी इनको दी गई है, ठीक है जी। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ह्वेनसांग जो है अपनी जो यात्रा का वर्णन जो है उनकी पुस्तक सी यू की में किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को किस नाम से जो है वर्णन किया गया है, तो कियासलोक नाम से वर्णन किया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, राजा अपिलक जो है किस राजवंश के शासक थे, तो अभी बताया हूँ सातवाहन वंश, ठीक है। राजा अपिलक कौन से राजवंश के शासक थे, मौर्य वंश, सोम वंश, कलचूरी वंश और सातवाहन वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राजा अपिलक जो है सातवाहन राजवंश के शासक थे। और बहुत सारे जो है इनके जो है साक्ष्य यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। मुद्राएं यहाँ पे बिलासपुर मल्हार से अभी बताया हूँ कि यहाँ से जो है इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई, सिरपुर रायपुर से, मल्हार बिलासपुर से, बारसूर बस्तर से या बालकेश्वरी बालपुर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्हार जो बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे जो है सबसे प्राचीन और सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति है भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है, तो चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है। कहाँ से प्राप्त हुई, तो मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई, ठीक है जी। तो सरपुरी राजा जो प्रसन्न मात्र के द्वारा यहाँ पर लीलागढ़ निडीला नदी के तट पर जो है आपका जो मल्हार शहर यहाँ पर बसा हुआ है, यहाँ पे डिडनेश्वरी मंदिर यहाँ पे स्थित है, साथ ही साथ पातालेश्वर मंदिर है और चतुर्भुजी विष्णु मंदिर जो भगवान विष्णु जी के मंदिर है। तो विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति जो है लगभग बहुत प्राचीन मूर्ति है, ये जो है कौन से काल का है, तो ये जो है मौर्य काल का है, ठीक है जी। मौर्य काल माना जाता है और मल्हार महोत्सव बिलासपुर में इसका हर साल आयोजन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कथन से क्वेश्चन है, कथन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो सत्य कथन का जो है चुनाव करना है। डोंगरगढ़ का नाम, डोंगरगढ़ का नाम जो है उस समय प्राचीन काल में कामावतीपुर था, ठीक है जी। इसके बाद जो है दूसरा कथन देखते हैं, पहला के बाद दूसरा। डोंगरगढ़ के राजा वीरसेन यहाँ पे जो है राज करते थे, यहाँ के राजा हुआ करते थे। इंदिरा कला विश्वविद्यालय जो है इंदिरा गांधी के नाम पर है और चितवा डोंगरी स्थल पूरा पाषाणकालीन शैल चित्र यहाँ पे जो अंकित किए हैं, तो इसमें ऑप्शन है एक और दो, दो और तीन, एक और तीन और डी है तीन और चार। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है उसको, तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो डोंगरगढ़ का नाम जो है कामावतीपुर था, ये सही है। हम एक बार पिछले सेशन पढ़ चुके हैं, डोंगरगढ़ के राजा वीरसेन यहाँ के राजा हुआ करते, यहाँ के प्रशासक थे, ठीक है जी। तो इसका जो है पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलवंशियों से संबंधित स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब है नलवंश के जो है यहाँ पे जो है संबंधित उनके जो स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, छत्तीसगढ़ से, बस्तर से, कोंडागांव से, महासमुंद से या गरी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोंडागांव, ठीक है जी। तो नलवंशियों से या नलवंश के जो जितने भी शासक हुए थे, तो स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपके कोंडागांव से प्राप्त हुई। नलवंश में बात करूँ लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है। पुष्करी भोलपाटनम और आपके जो है कोरापुट उड़ीसा में जो है राजधानी बनाया था। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दंडकारण्य क्षेत्र महाकांतर में नलवंशियों ने शासक किया। संस्थापक शिशुखा, ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछे तो वराहराज। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ये जो है वायुपुराण में, ठीक है जी, वायुपुराण में इसकी जानकारी मिलती है। तो ये इनके मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, अडेंगा केसकाल कोंडा गांव से इनके जो है नलवंशियों के जो है मुद्रा प्राप्त हुई आपके CGPSC प्री 2017 में और जो PSC इंजीनियरिंग पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है जी। तो ठीक है जी, उसी हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया जाता है जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम युग था, मतलब जो है छत्तीसगढ़ में किसके शासनकाल को जो इतिहास का जो है स्वर्णयुग या स्वर्णिम युग माना जाता है, सरपुरी काल को, सोमवंशी काल को, कलचूरी या आपके काकती को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंशी काल, या इसी को जो है पांडु वंश बोला जाता है लगभग, ठीक है। तो 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शासन जो है इन्हीं का रहा था, सोमवंशियों का, पांडुवंशियों को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम के लिए है ऐसा, मतलब जो है सिलेबस में आप जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सामान्य धन आपको जो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।